अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सीएफटी फॉर ऑक्टोहेड्रल मींस कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ये इस टाइम मेरे पास दो कम्प्लेक्स हैं यहाँ पे, और दोनों के अंदर जो सेंट्रल मेटल है वो कोबाल्ट है, लेकिन इसमें जो लिगेंड है वो अमोनिया है, और इसमें जो लिगेंड है वो फ्लोराइड है। यहाँ पे 6 अमोनिया, यहाँ पे 6 फ्लोराइड है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये एक वीक लिगेंड है। तो हमें पता है जब हमारे पास हाई स्पिन होती है तो हमारे पास जो लिगेंड होता है वो होता है वीक, और जब हमारे पास स्पिन लो होगी तो उस टाइम हमारे पास जो लिगेंड होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग। ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, तो सीएफटी में बेसिकली हमारे पास सिर्फ डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, ठीक है। डी ऑर्बिटल्स के ऊपर इसने फोकस किया हुआ, एस और पी ऑर्बिटल के ऊपर नहीं। तो सीएफटी ने बेसिकली डी सब शेल के ऊपर फोकस किया हुआ, एस और पी सब शेल पे नहीं। तो हमें पता है कि जो हमारे पास डी सब शेल है उसके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, वो मैंने यहाँ पे ड्रा कर लिए। अगर इस डी ऑर्बिटल के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो उस टाइम क्या होगा कि ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह सप्लिटिंग हो जाएगी। ये वही डी ऑर्बिटल ना, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर। तो ये हो चुकी है स्प्लिटिंग। अब अगर हमारे पास कोई वीक लिगेंड आएगा तो उस टाइम जो सप्लिटिंग होगी वो इस तरह होगी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वो वाली सप्लिटिंग है जब आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, ये वो वाली सप्लिटिंग है जब आपके पास वीक लिगेंड था। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें जो सप्लिटिंग हुई है वो ज़्यादा हुई है, और इसमें जो सप्लिटिंग हुई है वो इसकी निस्बत कम हुई है। ये डिस्टेंस से आपको इस चीज़ का आइडिया हो रहा होगा। तो ये नीचे हो गए टी टू जी, ऊपर हो गए ई जी, टी टू जी और ई जी। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो हमें पता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली डोनेट करता है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो खुद को पेयर अप कर लेंगे। यहाँ पे मेटल के इलेक्ट्रॉन्स खुद को पेयर अप कर लेंगे, लेकिन वीक लिगेंड इतनी स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। इसलिए हम कहते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है उस टाइम जो सप्लिटिंग एनर्जी है ये ज़्यादा है। ये देखें, यहाँ से आपको आइडिया हो गया ना, सप्लिटिंग ज़्यादा है तो मीन सप्लिटिंग एनर्जी इस केस में ज़्यादा है जब आपके पास लो स्पिन होगी या स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा, लेकिन इस केस में सप्लिटिंग एनर्जी कम है। इस केस में सप्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन अब एक पेयरिंग एनर्जी होती है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ने ऑटोमेटिकली पेयर अप हो जाना है क्योंकि लिगेंड हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, तो इस केस में फिर पेयरिंग एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी, इसीलिए पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे कम होगी। लेकिन यहाँ पे वीक लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करेगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करने के लिए हमें पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ये दोनों केसेस का आपको आइडिया होना चाहिए कि जब आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा यानी लो स्पिन होगी तो सप्लिटिंग एनर्जी आपके पास ज़्यादा होगी और पेयरिंग एनर्जी आपके पास कम होगी, लेकिन जब आपके पास वीक लिगेंड आएगा उस टाइम स्प्लिटिंग एनर्जी कम हो जाएगी और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। वीक लिगेंड मीन्स हाई स्पिन। अब इसकी दो एग्जांपल्स जो मैंने आपको ऊपर बताई थी, कोबाल्ट हेक्साइमान वाली और कोबाल्ट हेक्साफ्लोराइड वाली, इन्हीं को हम ले लेते हैं। ये देखें COF6, दोनों केसेस में मेटल के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, और हमें इस चीज़ का पता है कि कोबाल्ट हमारे पास होता है 27, आर्गन 18, 1, 2, 3, 4, 5, 3D एंड द 4S, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। लेकिन इस केस में आपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, सो ये 2 इलेक्ट्रॉन 4s से लूज़ हो जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से चला जाएगा।
सो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे वो होंगे 6 इलेक्ट्रॉन इन डी सब शेल, तो इसे आप कहते हैं D6 सिस्टम। अब हम अपने ये ड्रॉ करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, और इनके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन मैं देती हूँ। ये 3D चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये देखें, ये मैंने स्प्लिटिंग कर दी है, लेकिन ये पेपर में आपको क्वेश्चन सेपरेट पूछा जाएगा। ये मैंने दोनों केसेस में इनको मर्ज कर दिया कि अगर आपके पास अमोनिया लिगेंड आएगा और अगर आपके पास फ्लोराइड लिगेंड आएगा तो इस तरह होगा, और अमोनिया आएगा तो इस तरह। जैसा कि हमें पता है ये DXY है, DYZ है, DZX है, DX² Y² है, DZ² है, तो ये वाले जो नीचे हैं DXY, DYZ, DZX, DX² Y² एंड DZ², इसी तरह इस यहाँ पे भी DXY, DYZ, DZX, DX² Y² एंड DZ². अब हमने हमें पता है कि जब अमोनिया एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये इन इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग पे मजबूर कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे। सो 1 2 3, 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 5 6, तो ये देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए। सो दिस इज़ द T2G एंड दिस इज़ द EG। लेकिन अगर इसी यही कोबाल्ट, कोबाल्ट +3 था, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर आपके पास फ्लोराइड एज अ लिगेंड आएगा तो उस टाइम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होंगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसी तरह 1 2 3 4 5 एंड देन 6, ठीक है। तो यही बेसिकली डिफरेंस है कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो पेयरिंग हो जाएगी, और अगर आपके पास वीक लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी, मतलब नॉर्मली हुन रूल को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। तो ये थी हमारी CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल। अगर आपको यहाँ पे किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो काइंडली कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।